वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सांकल ऋषि ने बताए बजरनाथ जी कृष्ण कहीं भी नहीं गए, अभी भी वृंदावन में कृष्ण पूर्ण रूप में है, कहीं नहीं गए। लेकिन जब सचमुच से कोई संत भजन करते हैं ठाकुर अभी भी दर्शन देते हैं। वृंदावन में गए हो? कौन कौन वृंदावन में गए? वहां पर दो कुंज है, एक सेवा कुंज और एक निधुवन। अब कभी शाम का समय में जा करके देखना, शाम होते ही दो जंगल से अपने आप ये बंदर निकल जाते हैं, उनको भगाने का जरूरत नहीं होगा। वहां पर मंदिर में फूल की सज्जा लगती है, लड्डू टांतन और वहां पर पानी रख लेते हैं लोटे में। सदर जाकर के देखो कहीं आपको लोटे में पानी नहीं मिलेगा, कभी लड्डू नहीं मिलेंगे। ऐसे लगेगा जैसे रात में कोई आ करके यहाँ पर विश्राम करके गए। अगर जोर जबरदस्ती कोई वहां डूब जाए देखने के लिए, वो तो नहीं तो शरीर छोड़ देगा, नहीं तो बूंदा बन जाए, वो प्राण नहीं धारण कर सकता है एक बार उसको अंदर में रहने का बाद। इसलिए जिन लोगों का विश्वास नहीं होता है ना, अरे सचमुच से क्या ठाकुर जी है, एक बार वृंदावन में जाओ और ये निकुंज वन में एक रात रुक करके देखो भगवान है कि, फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा ठाकुर है कि नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अभी भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। बोले दर्शन कैसे मिलेगा? बोले एक काम करो, कृष्ण तो चले गए, उनका जो लीला भूमि धीरे 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 ये अंतर ध्यान होते जा रहा है। कहाँ पर ठाकुर जी बंसुरी बजाए, कहाँ पर रास की, कहाँ गैया चलाए, ठाकुर जी कहाँ पुतना को मारे, अभी धीरे धीरे लुप्त तो होते जा रहा है। बोले तुम एक काम करो, ये ब्रज के सारे लीला स्थलियों को तुम प्रकाशित करो और ब्रज के ठाकुर जी को तुम स्थापन कर दो, फिर तो ठाकुर जी की कृपा होगी। इसलिए उन्होंने विशेष करके बहुत ठाकुर ब्रज में जितने आप मंदिर देखोगे, जितने सरोवर कहीं तालाब कहीं कहीं पर उन्होंने ठाकुर का चरण ये सब उन्होंने स्थापन करके रखे। अभी जहां जहां पर ठाकुर जी जैसे लीला की वो लीला के अनुरूप उन्होंने स्थान भी रखा। ऐसे नहीं ब्रज में एक स्थान का नाम कोसी, नाम कोसी क्यों पड़ा? वहां पर नंदोबा का कोषागार था। और को असी मतलब एक समय कृष्ण चंद्र राधा रानी से मिलने के लिए गए, दरवाजा खटखटा, राधा रानी बोली कोसी, बोले को असी तुम कौन हो? कृष्ण बोले मेरा नाम कृष्ण है। बोले कृष्ण काला साहब एक बार काट देगा तो जहर उतरेगा नहीं भैया, दरवाजा नहीं खोलता हूँ। कृष्ण देखा राधा रानी को ठग दिए, फिर कृष्ण दरवाजा खटखटाए, बोले तुम कौन हो राधा रानी? बोले को असी। कृष्ण बोले मेरा अनंत नाम और नया नाम बताऊंगा। बोले मेरा नाम मधुसूदन। बोले भक्तों का प्रेम रूपी मधु को जो आस्वादन करे, और मधुमती का नाम है मधुसूदन, क्योंकि हर फूलों से मधुओं को संग्रह करता है। राधा रानी बोली मधुसूदन मधुमक्खी, मैं दरवाजा नहीं खोलती हूँ, मेरे को काट जाएगा। कृष्ण बोले फिर भी ठग दिए, फिर कृष्ण दरवाजा खटखटाए, बोले कोसी, ओ असी तुम कौन हो? कृष्ण बोले नया नाम बताऊंगा। बोले मेरे नाम है घनश्याम। बोले घनश्याम? बोले घनश्याम भगवान का नाम क्यों? उनका श्याम रंग है और घनश्याम मतलब मेघ को कहते घनश्याम। बोले मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा भैया, बारिश की यहाँ जरूरत नहीं, जहाँ पर खेती हो वहीं पर बारिश का यहाँ जरूरत नहीं। कृष्ण बोले सब सारी बात वो काट रही है। फिर कृष्ण दरवाजे खटखटाए, बोले कोसी तुम कौन?